अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने आपसे कीमती वक्त आपका लिया और आपने हमें अपनी रिहायशगाह पे मदऊ किया। तो हमें आपसे राय लेनी है कि फिल वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुतालबा कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख जो है उसका ऐलान कर देना चाहिए। तो इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई इतना वाज़े कोई पैगाम कोई मैसेज नहीं आया, तो कारकुन भी और दीगर लोग जो हैं वो इस बारे में जानना चाहते हैं, क्या नून लीग इलेक्शनों से भागेगी, क्या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि तारीख मतलब आगे से आगे चलती चली जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए। तो बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो है ही मैदान की पार्टी, सियासत के मैदान की पार्टी है, और ये भागने वाली पार्टी नहीं है, ये शेरों की पार्टी है। तो पीपल पार्टी वाले तो इसलिए भी मुआवजा शुरू कर रहे हैं कि उन्हें अपने कुछ खतरात हैं कि शायद कोई टाइम थोड़ा सा आगे हो जाए तो हमारे वोटर ना टूट जाए। लोगों को जो वादे वहीद किए हुए हैं उसकी वजह से वो परेशान है। लेकिन हमारा लीडर मियां नवाज शरीफ साहब वो आ रहे हैं पाकिस्तान अक्टूबर में, और दूसरा ये सारा सिस्टम जो है वो तो चलाना है इलेक्शन कमीशन ने, फैसला तो उनने करना है। और आपके सामने है कि जो गवर्नमेंट थी उनने भी ये फैसला किया हुआ है कि पहले जो है वो वोटर लिस्टें जो नहीं है वो मर्दमशुमारी होगी तो उसके मुताबिक बनेगी। तो मर्दमशुमारी के लिए इलेक्शन कमीशन ने टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि हम जो है वो फौरी 19 डेज में नहीं करा सकते। अगर उसमें एक आधा मंथ आगे चला भी जाता है तो मैं नहीं समझता उसमें कोई हर्ज है या कोई मजाक है। लेकिन जैसे ही इनके मर्दमशुमारी मुकम्मल होगी, वोटर लिस्टें तैयार होंगी और ये ऐलान करेंगे इलेक्शन कमीशन, तो सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग मैदान में आपको नजर आएगी। और हम भागने वाले नहीं, हम मुकाबला करेंगे। ये जो शोर शराबा कर रहे हैं ना, कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये जो गरज रहे हैं ना ये बरसेंगे नहीं उस वक्त। अच्छा। उस वक्त मियां नवाज शरीफ बब्बर शेर खुद आएंगे और इलेक्शन की कंपेन वो खुद करेंगे, और एक एक वर्कर का हौसला बुलंद है, और हमारा हर आदमी हर वर्कर इंतजार में है कि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हो उसी वक्त वो सब मैदान में आ जाए। लेकिन अब भी लोग एक एक जगह जाके छोटे छोटे गांव गांव करिया करिया जाकर तो वोटरों के साथ रबते में है, और मियां नवाज शरीफ का जो विजन है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग भागती नहीं, मुस्लिम लीग खड़ी रहने वाली पार्टी है। राना साहब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग जापान के सरबराह भी हैं, तो जापान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कारकर्दगी के हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। जी, जापान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो एक साल पहले तकरीबन हमारे जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल के इसहाक डार साहब, उन्हें नोटिफिकेशन जो है वो जापान का जो है वो ऑफिस बेरर का जारी किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मशावरत से और प्रेसिडेंट हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब की मशावरत से। तो उसके मुताबिक नए सेटअप बना, लेकिन उस वक्त ग्रुपबंदियां थी जापान के अंदर, वो ग्रुपबंदी उनने खत्म की और पार्टी को मुत्तहिद और मुनज्जम किया, और इस वक्त सब एक ही पार्टी है, सब एक ही जो फैसला पार्टी की तरफ से हुआ है उसके मुताबिक एक दूसरे को तस्लीम कर रहे हैं और चल रहा है। और मेरा तावन, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है चीफ पैटर्न की, सरपरस्ते आला की, उसके मुताबिक मेरे लिए तमाम वर्कर बराबर हैं, मैं किसी में फर्क नहीं डालता, चाहे उसमें हमारे प्रेसिडेंट मलक नूर मोहम्मद अमान साहब हैं और ओवरसीज के जो है वो जापान के कोऑर्डिनेटर हाफिज शाह जो है शम्मत साहब हैं, तो जितने दूसरे अहदेदार हैं वो सब मेरे लिए बराबर हैं। बाकी अहदेदारों के भी नाम बता दीजिए। वो तो हमारे 45 के करीब अहदेदार हैं, तो बताने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो हम सबको जितने भी दोस्त जिनको भी नोटिफिकेशन हुआ हुआ है, राणा बरार के वो माथे का वो हमारे माथे के झूमर है, वर्कर के साथ ही तो पार्टी चलती है, और हम सब पूरे जापान में रहने वालों को ये मैसेज है
कि मुस्लिम लीग मुनज़्ज़म है, मुत्तहिद है और नोटिफिकेशन के मुताबिक एक दूसरे का अदबो एहतराम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सबको मैं सरपरस्त की हैसियत से यही मैसेज देता हूं कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे का एहतराम करें और पार्टी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काम करें। जी राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, जब भी आपसे बात करते हैं, आपका हम इंटरव्यू करने आते हैं, तो चीदा टल्ली के बारे में आपकी हमेशा जो बातें हैं वो वायरल हो जाती हैं, उसको हजारों क्लिक्स मिलते हैं तो वो बताएं कि आजकल किधर है वो। देखे जी, चीदा टल्ली तो बरूने मुल्क है और अन करीब जो है उसको पाकिस्तान की जो अदारे हैं कानून जो नाफज करने वाले, वो जल्द उसकी गर्दन दबोचेंगे और टल्ली की टलियां खड़केंगी। लेकिन टल्ली से ज्यादा दूसरे लोग भी हैं जो इस वक्त मकाफत अमल का शिकार हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो कानून का चूंकि सामना कर रहे हैं और कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और अदालतों में जो फैसले हैं उस पे हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनने वो पंजाबी का एक लफ्ज है कि जिनने खादियां गाजरां चौथी बार होंगे और हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाएगी इंशाल्लाह। जी राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इंशाल्लाह आपसे गाहे बगाहे आपसे दोबारा हम बातचीत करते रहेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।